नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। एक आज नया वीडियो लेकर मैं उपस्थित हूँ, और जैसा आप जानते हैं आज गांधी जयंती है, और गांधी जयंती के अवसर पर मेरे बच्चों ने, यानी कि जो छात्र छात्राएं हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत जगह से सवेरे से फ़ोन आ रहा था, और मैं उनसे कह रहे थे कि सर इस बार आपने कुछ नहीं कहा गांधी जयंती पर, कुछ आप कुछ कहें, कुछ बात नई बात कहें तो फिर हम सुनें। तो मैंने कहा कि गांधी पर मैंने बहुत कुछ कह चुका हूँ, और मुझे नहीं लगता कि कुछ मैं नया कुछ कहूँगा, बहुत कुछ रिपीटेशन होगा, कुछ उसमें नयापन नहीं होगा। लेकिन फिर एक बात याद आई कि 2 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में इसको प्रपोज़ किया, और शायद 2003 या 4 में, और इसको उसके बाद से हम इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो साथियों, आज मैं गांधी जयंती के रूप में नहीं, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में बात करता हूँ। और बात करूँ तो आपको कुछ मज़ेदार बात बताऊँ कि आप सोचिए कि आज जिस प्रकार से हम देख रहे हैं दुनिया में, चारों तरफ युद्ध है, हिंसा का माहौल है, और एक प्रकार से कह सकते हैं कि जब हम एक तरफ देख रहे हैं रूस और यूक्रेन जैसे देश आपस में लड़ रहे हैं, इधर इसराइल और फलिस्तीन के बीच जो संघर्ष चल रहा है, हम अपने चारों तरफ देखते हैं जो संघर्ष हम देख रहे हैं, ऐसे समय में क्या गांधी पर बात करना उचित होगा? तो मुझे लगता है कि जी हाँ, यही एक समय है जब हम गांधी पर बात करें। और आपको एक महत्वपूर्ण बात, मैं बहुत बड़ा बड़ी ज़्यादा लंबा लंबी बात नहीं करूँगा, एक छोटी सी बात बता दूँ कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस का विचार जो है यूनाइटेड नेशंस के पटल पर जो रखने वाला कौन था, तो आप में से कुछ को पता होगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं पता होगा, लेकिन आपको बता दूँ, ईरान की एक महिला शिरीन इबादी, हालांकि वो नोबेल पीस प्राइज विनर है, इस शिरीन इबादी, आप उस देश की कल्पना करिए, उस देश की महिला यूनाइटेड नेशंस के जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके मंच से गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने का प्रस्ताव रखती है, एक महिला ईरान से, महत्वपूर्ण ये। और आप देखिए कि गांधी का जो विचार है, भारत में तो हम लेके गांधी को का जो हश्र हम करते हैं, मुझे लगता है कि इतना बुरा हश्र हम अपने पूर्वजों के साथ कभी नहीं किया होगा, और गांधी के साथ जो भारत में किया जाता है, मुझे लगता है कि वो मतलब बहुत एक प्रकार का जघन्य अपराध जैसा है। और ये गांधी की खूबसूरती भी है, मैं ये कहूँगा कि गांधी की इतनी जो आलोचना होती है, उनको जो डिफेम करने की कोशिश की जाती है, वो इसलिए की जाती है कि लोगों को ये डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता कि एक बंदा इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है। एक बंदा बिना हथियार के, बिना मशीन गन के, बिना तोपों के, बिना हिंसा किए इतनी बड़ी ब्रिटिश सत्ता को कैसे झुकाने का साहस रखता है। मैं इस बात पे नहीं जाऊंगा कि गांधी ने आजादी दिलाई या नहीं दिलाई, ये महत्वपूर्ण भी नहीं, लेकिन क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है कि गांधी के पहले, आप देखिए 1857 की क्रांति देखिए, और 1857 की क्रांति की घटना को देखिए, तो 1857 की क्रांति के बाद ये स्पष्ट हो गया था, और 1857 की क्रांति ने ये स्पष्ट कर दिया था कि भारत की आजादी अब हिंसा के बल पे नहीं होगी, उसका रास्ता अलग होगा। हमारे हजारों वीरों ने बलिदानी दी 1857 में, हजारों की संख्या में लोग मारे गए, निश्चित ही वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हम कह सकते हैं, क्योंकि इस क्रांति की संज्ञा के कार्ल मार्क्स ने पहली बार दी थी। डिजराइली, बेंजामिन डिजराइली, जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा कि एक राष्ट्रीय विद्रोह है। भारत में विनायक दामोदर सावरकर, यानी वीर सावरकर, ने कहा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, निश्चित ही था, लेकिन हम वहां पे फेल हुए। फेल हुए तो उसके बहुत सारे कारण रहे और उसको हम देख सकते हैं, लेकिन ये बात भी स्पष्ट हो गई कि भारत हथियारों के बल पे, हिंसा की ताकत पे, या उन्हें उस तरीके से परास्त नहीं कर सकता जैसा वो सोच रहा था, तो रास्ता कुछ और होगा। 1915, 1916 तक का इतिहास देखें, 1857 से 1915 के बीच में, तो आपको दिखाई देगा जन आंदोलन का वो स्वरूप हम नहीं देखते हैं जो हम 1917 के बाद देखते हैं। आप कह सकते हैं कि 1950 में बंगाल का विभाजन हुआ, लोगों के अंदर जागृति थी और बड़े पैमाने पे लोग मास मूवमेंट हुए,
लेकिन उस मास मूवमेंट में एक ऐसा उस प्रकार का पार्टिसिपेशन नहीं था। आप देखिए कि बहुत सारे नेताओं को, चाहे वो किसी भी, चाहे वामपंथी हो, चाहे दक्षिणपंथी हो, चाहे आपके इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियंस हो, सबल्टर्न के हो, इस बात को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते। वो उनका पैमाना होता है कि असहयोग आंदोलन सफल था या असफल था, सविनय अवज्ञा आंदोलन सफल हुआ या नहीं हुआ। अंत में ये साबित कर देते कि गांधी एक फेलवर थे, गांधी का कोई भी आंदोलन सफल नहीं हुआ। अब यदि हम इसको बहुत सूक्ष्मता के साथ देखें, सफलता को हम आजादी के साथ न जोड़ के हम ये देखें कि उस समय की परिस्थितियां क्या थी, 1917 की परिस्थिति क्या थी, 1917 के पहले क्या किसान सोच सकता था कि अहिंसक रूप से एक इतनी बड़ी सत्ता, जो सत्य जो कहते हैं, जिस 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 साम्राज्य का कहीं सूर्यास्त नहीं होता है, उस साम्राज्य को भी झुकना पड़ा। चंपारण सत्याग्रह याद करिए, क्या हिंसा हुई थी उसमें? क्या इसके पहले इतिहास में कोई ऐसा हमको उदाहरण मिलता है जहां पे बिना किसी हिंसा के, बिना किसी शोरगुल के किसानों की बात मान ली गई? ये बात मैं ये मानता हूं कि साम्राज्यवादी इतिहासकारों को डाइजेस्ट नहीं होती। जुडिथ ब्राउन तो गांधी को लगभग लिटरली मतलब क्या कहें, मतलब बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं, इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियंस हैं, जो गांधी को डिफेम करने के लिए बहुत प्रकार से करते हैं। और कहते हैं कि गांधी ने अपने अपने सब लीडर्स नियुक्त किए और गांधी कांग्रेस को हाईजेक कर लिया। अरे भाई, तो कौन रोका था मोहम्मद अली जिन्ना को रोक करने से? कौन रोका था और किसी नेता को हाईजेक करने से? कांग्रेस तो 1885 से थी, क्यों नहीं हाईजेक कर लिया? सवाल यह है कि गांधी ने एक नया रास्ता दिखाया जनता को, किसान को, मजदूर को, महिलाओं को, एक ऐसा रास्ता बताया जो एक निहत्था आदमी आत्मबल के पर, आत्मबल यदि है तो वो लड़ाई लड़ सकता है अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ। मैं इस बात पे नहीं जाऊंगा कि गांधी का आंदोलन सफल था या नहीं था। मान लेते हैं इतिहासकार जैसा बताते हैं कि असफल था, हम मान लेते हैं असफल था, लेकिन गांधी ने क्या ऐसा कर दिया? 1917 से 1947 के बीच में क्या परिवर्तन आया कि हमारा बच्चा, 1942 के आंदोलन में हमारे 12 साल 18 साल के बच्चे सड़क पे आ गए? पूरी कांग्रेस को तो जेल में डाल दिया गया था, कांग्रेस के तो सारे जेल नेता जेल में थे। तो कौन कर रहा, तो मोटिवेट कौन हुआ? 12 साल 15 साल 18 साल के बच्चे हुए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें, ठीक है हमको आजादी नहीं मिली, हमको स्वराज नहीं मिला, लेकिन गांधी ने यह कर दिखाया, महिलाओं को घर के चार दीवारी से बाहर निकालकर ये बताया कि ये देश तुम्हारा भी है, लड़ाई केवल पुरुष नहीं लड़ेंगे, आपको भी लड़ना होगा, ये देश उतना ही है आपका है जितना पुरुषों का है। तो गांधी इस मायने में बहुत अलग हो जाते हैं। मैं बहुत एकेडमिक बात नहीं कर रहा हूं और ना मैं एकेडमिक बात करना पसंद करता हूं। एकेडमिक बातें लाइब्रेरी में शोभा देती हैं, वो आम जनता तक नहीं पहुंच पाती कि डेविड हार्डीमन ने क्या लिखा, भीखू पारेख ने क्या लिखा, जुडिथ ब्राउन ने क्या लिखा, लुई फिशर क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, सब छोड़ दीजिए। और मैं तो कहता हूँ एकदम लेमैन की तरह आप सोच के देखिए ना, गांधी ने किया क्या असहयोग आंदोलन? क्या असहयोग आंदोलन के पहले हम ये कल्पना कर रहे थे कि 1920-22 में हम आजाद हो सकते हैं? लेकिन असहयोग आंदोलन जो आजादी के लिए नहीं लड़ा गया था, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट, इस प्रकार के जो उनके जो नीतियां थी, अंग्रेजी नीति अंग्रेजों की जो नीतियां थी उसके खिलाफ था। हाँ, स्वराज की बात थी कि हम स्वराज लेंगे, होम रूल की बात हो रही थी, ऑटोनॉमी की बात हो रही थी, स्वतंत्रता की बात नहीं हो रही थी। लेकिन उस आंदोलन ने यह विश्वास दिलाया हर उस आदमी को, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे कांग्रेस के बाहर का हो, कि भारत आजाद हो सकता है। और खास करके उन वामपंथी लेखकों को भी मजबूर किया कि देश तो आजाद हो सकता था। ये सब गांधी ने सब गड़बड़ कर दिया, गांधी की सब गड़बड़ी थी, मेन कल्प्रिट गांधी ही था। और मजेदार बात सुनिए, मैं आपको बताऊं कि यही वो गांधी जो कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्ताव रखा असहयोग का, तो यही कांग्रेसी और बहुत सारे ऐसे नेता का कह रहे थे गांधी पगला गया, सठिया गया। और बहुत सारे नेताओं ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एनी बेसेंट, बहुत सारे नेताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। मजे की बात, 1920 में यह हाल कि गांधी पगला गया कि सरकार से असहयोग करेगा, लेकिन एक नया टूल दिया और 2 साल में प्रूव भी कर दिया कि यदि हम नैतिक रूप से श्रेष्ठ रहें,
हम अहिंसक रहें तो हम आजाद हो सकते हैं। ये विश्वास दिलाया किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, शिक्षकों को, वकीलों को, पूंजीपतियों को, सभी ने वहां गया। फिर 8 साल का गैप। अब सवाल आता है कि 8 साल तक गांधी जी क्या कर रहे थे? तो बोले वो रचनात्मक कार्यक्रम कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? पहली बात तो 2 साल वो जेल में थे। मैं बात कर रहा था नॉन वायलेंस से, आप कहेंगे कि नॉन वायलेंस से सीधा आप ले आए इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में, लेकिन बताना जरूरी है क्योंकि बात यहीं से निकलती है। गांधी को डिफेम यहीं से किया जाता है। पहली बात तो कहते हैं कि गांधी के सारे आंदोलन असफल हो गए। मान लिया भैया सब असफल हो गए, लेकिन उस बंदे ने विश्वास तो दिलाया किसानों को कि चंपारण में सफल हो सकते हैं। उन्होंने खेड़ा में विश्वास तो दिलाया कि हाँ, आप अपना, यदि आपकी मांग जायज है, आप नैतिक रूप से सही हैं, तो आप किसान अपना लगान माफ करवा सकते हैं। ठीक है, 50% ही सही, लेकिन माफ तो करवा सकते हैं आप। बस आप में दम होना चाहिए, आप में वो आत्मबल होना चाहिए। दम का अर्थ आत्मबल है, हिंसा वाला बल नहीं, अहिंसक। अहमदाबाद मिल आंदोलन जो मजदूरों का है, ये जो वामपंथी खूब पानी पी पी के कोसते हैं गांधी को, तो बता दूं कि उन्हीं अहमदाबाद मिल के मजदूरों के लिए आंदोलन रहा। ठीक है, 50% बोनस बढ़ाने की बात थी, 35% पे बात आई, इसको निगोशिएशन कहते हैं। 50 नहीं मिला, 35% तो बढ़ा, ये प्रयास तो किया। सिर्फ बड़े बड़े नारे देने से इतिहास नहीं बदलता, बड़े बड़े बातें करने से इतिहास नहीं बदलता, करके दिखाना पड़ता। गांधी कहते हैं माई लाइफ इज माई मैसेज, मेरा जीवन है। क्योंकि गांधी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। गांधी दोगले नहीं थे, दो मुहे नहीं थे, गांधी में ड्यूअलनेस नहीं था। जो कह रहे थे पहले अपने ऊपर लागू कर रहे थे और उसके बाद फिर लोगों से अपील कर रहे थे। और गांधी एक इंसान थे, भगवान नहीं थे, देवता नहीं थे, इसलिए वो गलत हो सकते हैं और होना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं। एक इंसान गलती करता है, और यही बात तो कर रहे थे कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, यानी कि उनका जीवन सत्य का प्रयोग है। और प्रयोगशाला में असफलताएं मिलती हैं, हम सफल हो सकते हैं, हम असफल हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए साहस चाहिए। सिर्फ घर में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करने से और राष्ट्रवाद की बात करने से नहीं होगा। कार्ल मार्क्स दुनिया में क्रांति ला सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं, रूसो हो गए, वोल्टेयर हो गए, बड़े बड़े विचारक हैं, उनमें और गांधी में बड़ा अंतर है। गांधी बड़े विचारक नहीं है, गांधी फिलोसोफर नहीं है, गांधी एकेडमिशियन नहीं, लेकिन गांधी जो कह रहे हैं उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपने ऊपर, फिर उसको व्यवहारिक धरातल पे समाज में भी लागू करके वो बता पा रहे हैं। ये गांधी की खूबसूरती। तो साथियों, मैं जो बात कह रहा था, तो गांधी के तीनों आंदोलन को देखें तो ठीक है, वह सफल हो सकते हैं, लेकिन एक मायने में वो सफल हुए। वो सफलता इस बात से थी कि गांधी जो है लगातार उन चीज़ों कर रहे, लोगों में विश्वास दिला रहे थे कि आप में आत्मबल होना चाहिए, आप सत्य के साथ हों, सत्याग्रह के साथ हों, अहिंसा के साथ हों, तो आप जीत सकते हैं। और यही बात आज भी दुनिया में लागू होती है। आप अहिंसात्मक तरीके से यदि कोई चीज़ करते हैं तो हो सकता है। क्योंकि साथियों, समय कम है, मैंने कहा था कि बहुत बातें होंगी, लेकिन एक महिला नॉन वायलेंस डे की वकालत करती है, ध्यान रखिएगा, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका में, हो चिन मिन वियतनाम में, ये सब आंग सांग सू की म्यांमार में, ये सब गांधी से प्रभावित। क्या बात है कि हम अपने देश में गांधी से प्रभावित नहीं है और गांधी को लांछन लगाने से पीछे नहीं हटते। तो साथियों, सोचना पड़ेगा। तो चलिए आज इतना ही, कभी और बात करेंगे। थैंक यू सो मच।